गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, चलिए जानते हैं कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है। इससे पहले हमने कई सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा है, जैसे गॉल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जिस तरह से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वी नीड एनर्जी, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, सॉरी, सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसकी इसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं। पहला जो लेयर, आउटर लेयर जो इसका होता है, वो पोरस होता है, यानी कि क्या होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स या छोटे छोटे होल्स, आप कह सकते हैं कि पोर्स या होल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होता है, डीपली फोल्डेड होता है, ठीक है। डीपली फोल्डेड का मतलब कि कुछ इस तरह से वो अंदर अंदर इस तरह से पाया जाएगा, डीपली फोल्डेड होता है। और ये क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है, आपको बता दिया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के लिए वो एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो एनर्जी बनाने के लिए वो सरफेस जो है वो बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, डीप फोल्ड जो उसके होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, लेकिन ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बताती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी कंटेन करता है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कंटेन करता है, और सेल जो है इसी एनर्जी को क्या करता है, यूज़ करता है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। आपको पता है कि पता होना चाहिए कि जितने भी सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर पाए जाते हैं, केवल दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। एक आपने माइटोकॉन्ड्रिया जान लिया, दूसरा क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, DNA एंड राइबोसोम, राइबोसोम का क्या काम होता है, हमने पहले भी पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। देखिए, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है प्लास्टिड, जो हमारा क्या है, अगला सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। देखिए, प्लास्टिड्स जो हैं वो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, दिस सेंटेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लास्टिड क्या है, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, प्लास्टिड के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के दो पार्ट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं, कलर्ड प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड क्या करता है, देखिए, अगर ये प्लांट सेल में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्लांट के
लिए किसी ना किसी तरह से तो यूज़फुल होगा ही, प्लांट के किसी काम तो ये आता ही होगा, ये इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है। लेकिन कैसे, क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना वो कलर देता है प्लांट को। अब आप कहेंगे कि कलर तो क्लोरोफिल देता है, ग्रीन कलर का प्लांट होता है, सही है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि फ्लावर्स भी केवल ग्रीन होते हैं, फ्लावर्स तो ऑरेंज, रेड, वाइट, येलो, बहुत सारे कलर के होते हैं। तो वो फ्लावर्स को या फ्रूट्स को कलर देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए अब क्रोमोप्लास्ट ही क्या करता है, क्लोरोफिल भी कंटेन करता है, ठीक है। और तब हम इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, आप कोरिलेट कर पाएंगे। अब ये मुझे बताइए क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्या क्लोरोफिल का काम एक ही है, केवल प्लांट को ग्रीन कलर देना? जी नहीं, प्लांट को केवल ग्रीन कलर देना ही क्लोरोफिल का काम नहीं होता है। देखिए क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी बहुत मतलब बिना क्लोरोफिल के आप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, सॉरी आपको परफॉर्म नहीं करना है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल के दो फंक्शंस हैं, पहला इट गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज़ वेरी यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। अब देखिए भाई प्लांट के लिए हमें क्या दिखाई देता है कि प्लांट ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, उसमें मतलब सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स हो, तो ये सारे काम तो अकेले क्रोमोप्लास्ट ही कर लेता है भाई। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर दे देता है, क्रोमोप्लास्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स को दे देता है। अब ल्यूकोप्लास्ट के लिए क्या काम बचा रह गया प्लांट्स के अंदर, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये कहता है कि चलो ठीक है अब कलर वाला काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को, स्टार्च और ऑयल्स को मैं स्टोर करके रखता हूँ, ठीक है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट का एक बार हम फिगर देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फिगर, बट यू डोंट नीड टू वरी। देखिए ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में देखिए ये आपको डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये आपका अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर और आउटर के बीच में जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। देखिए और इसके अंदर ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है ये खाली नहीं है, इसमें एक फ्लूइड भरा है, ठीक है, एक मटेरियल, एक सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो एक आप कह सकते हैं ये जो ये तो स्टैक है, लेकिन अगर आप सिंगल इस स्ट्रक्चर को लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, अगर आप केवल इस स्ट्रक्चर को लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। और जब हम ये सेट ऑफ थाइलाकॉइड्स लेते हैं, सेट ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, मतलब एक से अधिक है ना, तीन है यहाँ पे, पांच है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और देखिए ये कई सारे ग्रेनम एक दूसरे से अटैच कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ लैमेला, ठीक है। तो सारे ग्रेनम जो हैं वो एक दूसरे से अटैच कैसे हैं, लैमेला की हेल्प से, ठीक है। थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, ल्यूमन होता है, ठीक है। अब देखिए आप ये कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है लेकिन इसमें क्लोरोफिल तो कहीं है ही नहीं। तो देखिए क्या होता है, जो ये थाइलाकॉइड्स है ना, इनके सरफेस पे ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो क्या देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं प्लांट्स को, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपने क्लोरोप्लास्ट का फिगर भी देख लिया, आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फिगर आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है,
कभी कभी पूछ लेता है कि स्ट्रोमा, वन मार्क्स क्वेश्चन में समटाइम्स इट कैन बी आस्क दैट व्हाट इज़ अ स्ट्रोमा, या व्हाट इज़ ग्रेनम, व्हाट इज़ थायलाकॉइड. सो नाउ आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी ईजिली. सो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है. तो अभी तक हमने क्लोरोप्लास्ट का फिगर देख लिया. देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के फिगर को डिफाइन भी किया है कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. ठीक है, देयर दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया. प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर इज ओनली two cell organelles which have their own DNA and ribosome. So first one is mitochondria and the another one is plastids. Plastids also have their own DNA and ribosome. Plastids ke paas bhi khud ka DNA aur khud ka ribosome hota hai. Theek hai, once again, what is the function of ribosome? It synthesize proteins. So we can say that plastids and mitochondria are two organelles that contain their own genetic material. Okay, what is genetic material? DNA is the genetic material. Theek hai, our next topic will be vacuoles, and one remaining topic, very important topic, is cell division. That's we will discuss in the next video. Till then, thank you so much. Stay blessed and stay studied. All the best. Thank you.